कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर कांड पर एक बार फिर से राज्य की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि लखीमपुर की घटना में यूपी सरकार की कार्रवाई अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रियंका ने सवाल किया कि इससे सीएम और पीएम क्या संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता और गृह राज्य मंत्री को पीएम का संरक्षण मिला हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पांचवें चरण की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा बाराबंकी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने इस रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। जहां प्रसपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में यात्रा सत्ता परिवर्तन के लिए निकाली जा रही है। आपको बता दें कि प्रसपा की ये रथ यात्रा बाराबंकी और बहराइच होते हुए गोंडा पहुंचेगी और यहाँ से बस्ती बलरामपुर सहित कई जनपद होते हुए अयोध्या में 14 नवम्बर को ये रथ यात्रा समाप्त होगी। आगरा में दीपावली पर बिगड़ी हवा की सेहत सोमवार को वेंटिलेटर पर पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई सूची में आगरा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 486 पर पहुंच गया। वहीं आगरा के अलावा मथुरा का वृंदावन दूसरे सबसे प्रदूषित शहर में से रहा, जहां AQI 475 रहा। आपको बता दें कि देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2 हरियाणा के हैं। अमेठी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने मामले में बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की माने तो यह हाई टेंशन तार काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने मामले में कोई सुनवाई नहीं की। नतीजन ये हादसा हो गया। बस्सी में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने के लिए मिला। आपको बता दें कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ककुआ रावत गांव के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित DCM सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। वहीं हादसे में DCM चालक की फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए एक शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौके से 1250 लीटर लहन और 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि शराब माफिया जंगल में चोरी छिपे जहरीली शराब बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। शराब के निर्माण निष्कर्षण के विरुद्ध पुलिस द्वारा कल सघन अभियान चलाया गया, जिसमें नगीना देहात के ढकिया गांव में पुलिस ने छापा मारा। एक भट्टी पकड़ी गई, इसमें हजारों लीटर लहन और शराब पकड़ी गई है। राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त फरार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे जनपद में अफजलगढ़, रेहड़ और बढ़ापुर क्षेत्र में भी इसका अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।